अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी चॉकलेट केक। तो सबसे पहले हम इसका स्पंज तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैदा लिया है मैंने 2 कप, ग्राम्स में है 250 ग्राम्स, शुगर ली है मैंने 2 कप्स और ये भी ग्राम्स में 250 ग्राम्स, 3/4 कप मिल्क लिया है, 1/2 कप ऑयल लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 4 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है और 6 अदद हमने अंडे लिए हैं। तो सबसे पहले हम 2 बाउल लेंगे, सफ़ेदी और जर्दी को अलग अलग हम डाल देंगे। सफ़ेदियों को मैंने बड़े बाउल में ऐड कर दिया है और जर्दियों को छोटे बाउल में। तो अच्छी तरह से हम सफ़ेदियों को बीट कर लेंगे जब तक ये साइज़ में डबल नहीं हो जाती। थोड़ी सी हमारी सफ़ेदियाँ फूलने लगें तो इसमें थोड़ी एक एक चम्मच करके चीनी ऐड करते जाएंगे। ये 1/2 चीनी मैं इसमें ऐड कर दूंगी सफ़ेदियों में और 1/2 जर्दियों में ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए, अच्छी तरह से हमारी सफ़ेदियाँ बीट हो चुकी हैं। बस थोड़ा सा हम इन्हें और करेंगे। सफ़ेदियाँ हमारी अच्छी तरह से बीट हो चुकी हैं और मैं जर्दियों को हल्का सा बीट कर लूँगी और इसमें शुगर ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा हमने इसे बीट करना है, ज़्यादा नहीं करना। और एक छाननी लेंगे, उसमें मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर ऐड करके इन्हें अच्छी तरह से छान लेंगे। याद रखें, जब भी आप स्पंज बनाएं या कोई भी केक बनाएं तो इसे ज़रूर अच्छी तरह से सारी चीज़ों को छान लें, वरना हमारा स्पंज ख़राब हो जाएगा। तो ये छान लिया है मैंने और इसको मैं जर्दियों में ऐड कर दूंगी। और इन्हें हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे, इन्हें बीट नहीं करना। और इसके अंदर ऑयल और मिल्क भी ऐड कर दूंगी मैं। ऑयल ऐड कर दूंगी और साथ ही मिल्क भी ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से हमने इन्हें मिक्स कर लेना है हल्के हाथों से। अगर हम इसे बीट करेंगे तो हमारा कोको पाउडर बैठ जाएगा और चॉकलेट केक अच्छा नहीं बनेगा। तो ये याद रखें, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ये क्रीमी हो जाना चाहिए। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी सफ़ेदी ऐड करूँगी और इन्हें अच्छी तरह से फोल्ड कर लूँगी। मिक्स नहीं करेंगे, फोल्ड कर लेंगे इस तरह। तो ये देखिए, अच्छी तरह से ये फोल्ड हो चुकी हैं और मैं सारे इसमें सफ़ेदियों में ऐड कर दूंगी। इसके अंदर डाल के हमने अच्छी तरह से इन्हें फोल्ड कर लेना है। हल्के हाथों से हमने इन्हें फोल्ड करना है ताकि जो हमारी सफ़ेदियाँ हैं वो बैठ ना जाएं। स्पंज बनाने के लिए आपको
इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका स्पंज ख़राब हो जाएगा। तो इसे मैंने एक सांचा लिया है और उसके अंदर बटर पेपर लगा के इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ, और इसके अंदर सारा मरका बैट कर दूंगी और इसे ऐसे हल्का सा टैप करेंगे ताकि इससे एयर बबल्स निकल जाएं, और इसे मैं हेलोजन अवन में बेक करूंगी। हेलोजन अवन में से मैं 150 सेल्सियस पे 30 से 35 मिनट के लिए बेक करूंगी। आप जिस ओवन में भी बना रहे हैं तो उसमें भी बिल्कुल यही टाइमिंग और इतनी ही डिग्री पे लगाना है। तो हमारा स्पंज रेडी हो चुका है और इसे मैं निकाल लूँगी। कूलिंग रैक पे ठंडा करने के लिए रख देंगे। बटर पेपर उतार लूँगी ये देखें, हमारा स्पंज बहुत अच्छी तरह से रेडी हुआ है। और अब मैं टूथपिक लूँगी और इसको स्पंज के अंदर लगा दूँगी। इस तरह हमने लाइन पे लगा लेना है। और इसे हम काट लेंगे, इस तरह हमें काटने में आसानी भी होगी। और इसे मैं प्लेट में रखती जाऊंगी। दूसरी तरह सेम प्रोसेस में मैं 5 लेयर्स काट लूंगी। तो देखिए हमारे 5 लेयर्स रेडी हो चुकी हैं, कट चुकी हैं। और अब मैंने दूध लिया है 1 कप और उसमें 1/2 कप चीनी ऐड कर दी है और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया, अब मैं इसे स्पंज के ऊपर ब्रश कर लूँगी। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा स्पंज बिल्कुल फ्रेश रहता है और नरम रहता है। अब इसके ऊपर मैं क्रीम लगा दूंगी। और स्ट्रॉबेरी रखते जाएंगे। इसी तरह सेम प्रोसेस में 5 लेयर्स रेडी कर लूंगी। तो अब मैं केक के ऊपर सारी क्रीम लगा दूंगी। सारी रफ़ क्रीम मैं इसके साथ लगा दी है और इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और ठंडा हो चुका है केक और इसके ऊपर मैंने फ्रेश क्रीम भी लगा दी है। चॉकलेट सिरप से मैं इसे गार्निश कर लूंगी। आप चाहें तो सारी चॉकलेट भी केक के ऊपर डाल सकते हैं। तो अब मैं केक के ऊपर स्ट्रॉबेरी लगाती जाऊंगी। तो केक हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, तो बस इसे मैं काट लूंगी। बहुत ही मज़े का बनता है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका भी बहुत मज़े का बनेगा। ये देखें 5 लेयर्स का हमारा केक बहुत मज़े का रेडी हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।